અમારી D9 ન્યૂઝ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, ક્લિક કરો, બે આઇકન કરો અને મેળવો વિશ્વભરના ન્યૂઝ અપડેટ। जनसमाज ने उपयोगी एवं रचनात्मक सेवाना कार्यक्रमों ने गति आपवा युवानों में जागृति खूब जरूरी है। राष्ट्रीय युवा जागृति अभियान अंतर्गत मोड़ासा खाते गायत्री परिवार युवा संगठन द्वारा युवा चिंतन शिबिर योजाई हती। गत 31 जानुआरी राष्ट्रीय युवा जागृति अभियान अंतर्गत मोड़ासा खाते गायत्री परिवार युवा संगठन द्वारा युवा चिंतन शिबिर योजाई। जनसमाज ने उपयोगी एवं रचनात्मक सेवाना कार्यक्रमों ने गति आपवा युवानों में जागृति खूब जरूरी है। आ माटे अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार द्वारा समग्र भारत भर में युवा जागृति अभियान अंतर्गत अनेक प्रकार आंदोलन चलावामां आवे छे। जे पैकी मोड़ासा क्षेत्र में युवा भाईओ बहनों में विशेष जागृति आए ते माटे 31 जानुआरी एक चिंतन शिबिर आयोजन करायुं हतुं। हालनी सामूहिक स्वास्थ्यनी परिस्थिति अनुसार वधु संख्या एकत्रित ना करता मोड़ासा सहित आसपासना गामोना प्रतिनिधि भाईओ बहनों मळी कुल 80 युवानोनी चिंतन बैठक योजाई हती, जेमां गायत्री परिवार युवा संगठन समग्र गुजरातना संयोजक श्री मनहरभाई पटेल उपस्थित रह्या हता, जेओए युवानोमां श्रेष्ठ संस्कारो सहित खूब ज जागृति लावा आह्वान कर्युं हतुं। आयोजनमां विशेषमां गायत्री परिवार मोड़ासाना प्रमुख श्री धर्माभाई पटेल, मंत्री श्री कांतिभाई चौहान, रश्मिकांत पंड्या, अमृतभाई पटेल, શિવુભાઈ પટેલ સહિત સક્રિય પરિજનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। કાર્યક્રમનું સંચાલન હરીશભાઈ કંસારાએ કર્યું હતું। તેમજ આ શિબિરના આયોજનને સફળ બનાવવા માટે ગાયત્રી પરિવાર યુવા સંગઠન મોડાસાના સંયોજક પરેશભાઈ ભટ્ટ તેમજ અનેક પરિજનો સહિત મહિલા મંડળની બહેનોએ ખૂબ જ જહેમત ઉઠાવી હતી। મહેન્દ્ર પ્રસાદ, D9 ન્યૂઝ, અરવલ્લી।